दोस्तों नमस्कार मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर हिंदी भाषा हिंदी व्याकरण हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं विद्यार्थियों आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा आठ की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के सुदामा चरित पाठ से नरोत्तम दास द्वारा लिखित इस पाठ में जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने आते हैं तो उनकी दीन दशा का वर्णन द्वारपाल करते हैं कृष्ण उसे देख करके पुलकित होकर के उसे लेके आते हैं सिंहासन पर बैठाते हैं उनकी दयनीय स्थिति को देख करके अश्रु पूत हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं उसके बाद वो जो कांख में पोटली दबा रखी चावलों की सुदामा नहीं देना चाहते हैं संकोच करते हैं तब कृष्ण उसे लेना चाहते हैं उससे आगे की बात हम इस वीडियो में रखेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है यदि आपने हिंदी बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो वह पुल कानी वह उठिन मिलनी वह आदर की बात वह पटवनी गोपाल की कछू न जानी जात घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज कहा भयो जो अब भयो हरी को राज समाज हो आवत नाही ही वाही पठो ठेली अब कहियो समुझा के बहुधन धरो सकेली तो इस पुलकनी का मतलब प्रसन्नता मिलन यानी कि मिलना प्रेम पूर्वक तो इस पदांश के माध्यम से इस सवैये में जो कवि हैं नरोत्तम दास वो दरअसल श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का खूब आदर सत्कार जब किया परंतु विदा करते समय कुछ नहीं दिया उसका वर्णन है तब सुदामा इस विषय में सोचने लगे उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि इतना धनाढ़ इतना शक्तिशाली इतना वैभवशाली मेरा मित्र है फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया तो वो सोच रहा है तो सुदामा सोचने लगा कि श्री कृष्ण का इस प्रकार आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे लिए आना प्रेम से गले लगना सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठा कर पैर धोना सब कितना अच्छा था वह पुलकित वह उठी मिलन वह आदर की बात वह पठमनी गोपाल की कछु ने जानी जात घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज कहा भयो जो अब हरि को राज समाज तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया उनके ऐसे आचरण के बारे में मैं क्या कहूँ कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सुदामा सोचते हैं कि यह तो वही कृष्ण है जो तनिक सी दही के लिए घर घर हाथ पसारते फिरते थे क्या हो गया यदि वे अब राज समाज के अधिकारी हो गए हैं वे राजा बन गए हैं मैं तो ऐसे मित्र के पास आता ही नहीं परंतु पत्नी ने जबरदस्त भेज दिया मैं अब उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने यह जो सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख ले अपने मित्र की जो स्थिति है जो उनके साथ लगा उनको सुदामा को वो वर्णित किया है अगला पद है कि वह सोई सा सोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो पर यो कछु कहूं मार्ग भूली कि फेरई कई मैं द्वारका आयो भौन बिलो की बे कोमन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो यहाँ पर ये सवैया जो कवि ने लिखा है इसमें विशेष रूप से सुदामा जब द्वारका नगरी से लौट करके वापस आते हैं और सोचते हैं कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया और ये सोचते सोचते जब वापस पहुँचते हैं वो अपनी नगरी जब ब्रज पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सुदामापुरी कहीं है ही नहीं उसकी झोपड़ी कहीं है ही नहीं तो उसी का वर्णन है द्वारका से खाली हाथ लौटते हुए सुदामा अपनी नगरी को देखकर सोचने लगते हैं कि यहाँ भी द्वारका ही दिखाई दे रही है मुझे या द्वारका जैसा राज सामग्री यहाँ पर स्थापित हो गई है अनेक हाथी और घोड़े हैं इस स्थिति को देखकर वे भ्रम में पड़ गए कि मैं कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया हूँ रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ गलत जगह पर नहीं आ गया हूँ या वहीं तो नहीं घूम रहा हूँ उसी द्वारका नगरी में ही अर्थात कहीं दोबारा द्वारका नगरी नहीं पहुँच गया हूँ सुदामा का मन अपना घर देखने के लिए उत्सुक हो रहा था यही सोचते सोचते सारा गाँव छान मारा लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी अपना घर दिखाई दिखाई नहीं दिया सुदामा पांडे सभी से अपनी झोंपड़ी के विषय में पूछने लगे परंतु कुछ भी पता नहीं चला अर्थात महादानी कृष्ण की लीला को बेचारा सुदामा पांडे समझ नहीं पा रहा था कि उसकी झोपड़ी कहाँ गई कैसे महल में बदल गई आगे है कई वह टूटी छानी हति कह कंचन के अब धाम सुहावत कई पग में पनहन हति कह ले गजराजहू ठाठे महावत भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत कहें जुरतो नहीं को दो सभा प्रभु के परतापते ते दाख न भावत आगे कवि कहते हैं कि इस पद के माध्यम से सुदामा की जो मनोदशा है मतलब उसका वर्णन है कि भवन नगरी में आकर अपने गृह में आकर गृह प्रवेश उसमें अपने घर पे आकर सुदामा सोचने लगे कि वह कहाँ आ गया है कहाँ है मेरी वह टूटी सी झोपड़ी कहाँ है मेरा वह घर यहाँ तो सब सुनहरे महल शोभा दे रहे हैं पहले मेरे पैरों में जूतियाँ भी नहीं थी अब सवारी के लिए महावत बड़े बड़े हाथी लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं पहले कठोर भूमि पर रात व्यतीत करनी पड़ती थी अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है पहले पेट पूर्ति के लिए अत्यंत साधारण अन्न भी नहीं मिलता था परंतु अब श्री कृष्ण की कृपा होने से द्राक्ष यानी कि किशमिश सूखे हुए अंगूर मनक्का ये भी कीमती खाद्य पदार्थ भी अच्छे नहीं लग रहे ये प्रभु के प्रताप ने ऐसा कर दिया है दाख भी नहीं भाते हैं मुझे यानी कि स्थितियाँ बदली हैं तो उस मनोभाव की उस मनोदशा का वर्णन यहाँ पर सुदामा की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है नरोत्तम दास द्वारा लिखित ये सुदामा चरित पाठ यहीं पर संपन्न होता है वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके मन में कोई सवाल है कोई जिज्ञासा है कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हम उसका समाधान करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के चर्चा करेंगे उसके बाद मिलते हैं तब तक के लिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए